हे गाइस, वेलकम बैक टू द डीवी स्टूडियो। मैं हूं आर्किटेक्ट दीपांशु विशेष। तो आज इस वीडियो में हम फिर से रेगुलर वीडियोस के साथ आ गए हैं। यहां पर उससे पहले मैं बताऊं कि क्या वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने अपनी यूट्यूब मेंबरशिप लॉन्च कर दी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, वहाँ जाके अच्छे से समझ लो। हमने वहाँ पर आर्की और आर्की प्रो लेवल दो पैकेज क्रिएट करे हैं। मटेरियल डिस्क्रिप्शन, मटेरियल के कोड जो कि आप रिक्वेस्ट करते हो हमेशा, उसके बारे में बताया है, तो वो ज़रूर चेक कर लें, मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको बहुत डिटेल मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर इसका साइज मिल जाता है 30x30, दैट मींस कि 900 स्क्वायर फीट एंड 100 स्क्वायर यार्ड्स। इस घर की प्रोजेक्ट डिटेल्स यहाँ पर स्क्रीन पोज करके देख लेना, ओवरऑल डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आगे चलते हैं यहाँ पर, और बढ़िया से एलिवेशन के साथ वेलकम करते हैं सिंगल फ्लोर हाउस डिज़ाइन का। तो यस, ये सिंगल फ्लोर आपको 30x30 का डिज़ाइन मिल जाता है, जिसमें कि तीनों साइड अदर्स प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए OTS दे दिया गया है, तो वेंटिलेशन की टेंशन आप हमारे डिज़ाइंस में मत लिया करो। फ्लोर प्लान का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर डे और इवनिंग का व्यू लेते हुए अगेन आ गए हैं हम, जो कि हम पहले दिया करते थे, काफ़ी मिस हुआ बीच में, हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप डे और इवनिंग में आप टेरिस गार्डन भी देखना एंड में, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड आप ऐसी और भी डिज़ाइन देखने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं DV Studio 22 के नाम से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट सब कुछ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मेन गेट से एंट्री करिए, यहाँ पर आपको कार पार्किंग मिल जाएगी स्टेयरकेस एरिया के साथ। यहाँ पर एक सेटबैक भी दे दी है, कुछ एरियाज़ में ऑब्वियसली सेटबैक्स कंपलसरी होती हैं। यहाँ पर स्टेयरकेस प्लस पार्किंग एरिया कंबाइंड है ये, तो बाइक वगैरह भी स्टेयर्स के नीचे आ जाएगी। ये हमारे घर की मेन एंट्री करती लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ओपन ड्राइंग रूम और इसको बोल सकते हैं लिविंग एरिया आपको मिल जाता है। टीवी यूनिट के साथ पूजा यूनिट भी यहीं पर आपको मिलेगा। एंड ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस दिखने वाला है ये घर, दिखने वाला है क्या है ही। बड़ी बड़ी विंडोज़ आपको मिलेंगी, तो काफ़ी वेल वेंटिलेटेड आपको ये घर मिल जाएगा। फॉल सीलिंग डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। यहाँ पर आपको डाइनिंग एरिया सेपरेट मिल जाता है ये भी पार्टीशन के साथ। फॉल सीलिंग डिज़ाइन कुछ यूनिक मैग्नेटिक ट्रैक लाइट कोव लाइट के साथ में। इसी के साथ मेटल पार्टीशन के बाद ही यहाँ पर एल शेप में मॉड्यूलर किचन मिल जाती है। स्टोरेज टॉप तक जा सकती है, तो बहुत स्टोरेज बढ़ जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। विंडो आपने देख ही लिया काउंटर के बीच में, दोबारा बैक करके देख लिया करो, कोई इश्यू नहीं है भाई। एंड आगे बढ़ेंगे तो अब आ जाती है बारी बेडरूम्स की। यहाँ पर आपको बेडरूम नंबर 1 मिल जाता है, और मॉडर्न डिज़ाइन में सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ यहाँ पर आपको कुछ सिंपल एंड मॉडर्न डिज़ाइन ऑब्वियसली मैंने बोल दिया। ड्रेसिंग यूनिट भी आपको मिलती है, टीवी यूनिट भी मिल जाता है उसी थीम में, उसी डिज़ाइन में। ऊपर वो प्रोफाइल लाइट लगाई गई है सीलिंग में। एंड इसी बेडरूम से ना यहाँ पर OTS का जो ये OTS प्रोवाइड किया है, और इससे एज अ यूटिलिटी एरिया भी हम यूज़ कर रहे हैं। इसका एंट्रेंस हमने बेडरूम से दिया है, तो कभी कभी होती है प्लानिंग ना यार उस तरीके से करनी पड़ती है जो बेस्ट रहे, स्पेस सेविंग भी रहे, और थोड़ा सा कभी कभी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब मान लो कहीं और से स्टोरेज निकालते तो दिक्कत होती। अब यहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है इस फ्लोर का, इसके पीछे है वो OTS, ठीक है। तो इसकी एंट्री मान लो टॉयलेट में से निकालते तो वो फिर शॉवर एरिया वगैरह ये ख़त्म कर देता, तो ना काफ़ी स्पेस कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि यार कभी हम छोटे बनाते हैं, कभी बड़े, स्पेस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब ये देखो ओवरऑल हमने दिया क्या क्या है घर में। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और बेडरूम मिल जाता है। ऑब्वियसली 100 गज का घर है, तो यहाँ पर सिंगल फ्लोर में 2BHK डेफिनेटली बनता है। ये आप एज अ मास्टर बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। बड़ी वार्डरोब, बड़ा टीवी यूनिट, इसमें भी OTS की विंडो भी दिख रही है, AC की लोकेशंस भी दिख रही हैं, एंड सिंपल फॉल सीलिंग डिज़ाइन भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, फ़ैन हो गए, AC हो गई। कभी कभी लोग ना ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं जिनमें फ़ैन्स की जगह ही नहीं छोड़ते, मतलब जो सीलिंग फ़ैन होता है वहाँ शैंडलियर लगा देते हैं, तो यार वो भी गलत हो जाता है, अनप्रैक्टिकल हो जाता है यार इंडिया में तो एटलीस्ट। मतलब वो होटल्स वगैरह में चलता है, 24 घंटे आपको AC चलाना है तो पंखे की जगह आप शैंडलियर टांग लो। स्टेयर से चलते हैं, ये मल्टी एरिया काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ के साथ, धूप क्या मस्त आ रही है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बड़ी विंडोज़ आपको मिल जाती है।
फ्रंट की तरफ ही एंट्री मिल जाती है आपको। बैक साइड में चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ा परगोला सिटिंग कवर्ड आपको मिल जाती है, फैमिली सिटिंग मिल जाएगी यहाँ पर, काफ़ी स्पेशियस ऑब्वियसली ये डेक एरिया टाइप क्रिएट कर देते हैं। इसी के बाद कॉर्नर में अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं, ऊपर देख सकते हैं ग्लास से कवर कर सकते हैं बारिश वगैरह ना आए। यहाँ कॉर्नर में बारबेक्यू वगैरह, बार स्टेशन और फुल पार्टी का माहौल सेट कर दिया गया है यहाँ पर। कुछ भी आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं ऑब्वियसली, बारबेक्यू वगैरह तो काफ़ी लोग आजकल करने लग गए हैं। ये OTS वाला टॉप बॉक्स है, अभी आपको स्टार्टिंग में जो दिखाया था बेडरूम के साथ वाला। एंड देन आर्टिफिशियल ग्रास के साथ यहाँ पर भी एक और सिटिंग मिल जाती है। होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिटिंग्स चाहिए होती हैं, कैफ़े में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग होती है ना, तो आपको एक घर में ही ऐसी फीलिंग आए, घर में भी हो आप और आप ऐसे ओपन एरिया में आ रहे हो तो कैफ़े जैसा लगने लगे। और ये नाइट व्यू में देखो टेरेस गार्डन क्या मस्त लग रहा है, नाइट इवनिंग कुछ भी बोल लो इसे। तो हमने दो दो व्यू दिखाए, ये भी बताना कैसा लगता है आपको। होपफुली आपको ये वीडियो होपफुली क्या यार लगी होगी अच्छी, हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस से पता लग जाता है आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है। वीडियो अच्छी लगी है तो लग गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में इसके सुझाव जो भी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कौन सा बेस्ट पार्ट लगा ज़रूर बताएं। DV स्टूडियो को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड करेंगे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।